हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया क्वेश्चन जो कि आईआईटी 2017 में पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अ फंक्शन एफ, ओके, वो फंक्शन एफ जिसका डोमेन आपको आर दिया हुआ है, मतलब रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और इसका को डोमेन दिया हुआ है माइनस हाफ से प्लस हाफ, ओके, माइनस हाफ एंड प्लस हाफ इज इंक्लूडेड, डिफाइंड एज एफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज, हम लोग को पता करना है क्या वो इन्वर्टिबल है, क्या वो फंक्शन इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है, सर्जेक्टिव है लेकिन इंजेक्टिव नहीं है, और ना ही इंजेक्टिव ना ही सर्जेक्टिव है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है बस थोड़ा सा इसमें आपको मॉडिफिकेशन करना है और ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हमारा एफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखिए ये आपका x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x से अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1, और नीचे अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या, x प्लस 1 बाई एक्स, ओके। और ये है आपका क्या, फंक्शन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, x प्लस 1 बाई एक्स का अगर ग्राफ बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से बनता है, इसका एसिम्प्टोट जो है y बराबर x पे जाता है, ओके, और इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, एकदम पूरा सिमेट्री होता है, और इसका जो वैल्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू आता है क्या, ये जो वर्टेक्स है इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट का ये आता है माइनस सॉरी 1, 2, और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका क्या, -1, -2, ओके। तो देखिए यहाँ पे एक गौर करने वाली बात ये भी है कि अगर मान लीजिए कि आप x इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं, ओके, तो ये जो नीचे वाला जो फंक्शन है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन फाई ऑफ x, यानी कि फाई ऑफ x हमारे पास क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स है, ओके, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर फाई ऑफ x का चेक हो जाए तो हम फंक्शन ऑफ x को भी चेक कर सकते हैं। अगर x इक्वल्स टू 3 रखते हैं तो 3 प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है, तो ये आपका आ जाता है क्या, 10 अपॉन 3। और वही फिर से अगर हम लोग x इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 3, तो ये जो 3 है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा यानी ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 3। देख रहे हैं कि दो अलग अलग x के वैल्यू के लिए, मतलब x इक्वल्स टू 3 के लिए एंड x इक्वल्स टू 1 बाई 3 के लिए y हमारे पास सेम ही आ रहा है, मतलब फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जो फंक्शन है फाई ऑफ x वो मेनी वन फंक्शन है, सिमिलरली एफ एक्स भी हमारे पास क्या आएगा, मेनी वन फंक्शन होगा, ओके, यानी कि वो इंजेक्टिव नहीं होगा, इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1, ओके, एक x के लिए एक ही वैल्यू मैप होता है, तो वो आपका 1 1 नहीं है। तो देखिए इंजेक्टिव तो नहीं है, तो यानी ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो जाएगा एंड 1 एलिमिनेट हो जाएगा। इन्वर्टिबल तभी होता है जब वो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, 1 1 तो नहीं है तो जाहिर सी बात है तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा और ये तो एलिमिनेट हो गया, तो बचा ये दोनों। अब इन दोनों में हम लोग को सिर्फ सर्जेक्टिव चेक करना है, यानी कि ऑन 2 चेक करना है वो फंक्शन ऑन 2 है कि नहीं। अब वो फंक्शन ऑन 2 है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, हमारे पास ऑन 2 का जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि अगर फंक्शन का जो कोडोमेन है वो अगर उसके रेंज के बराबर आ जाए, फंक्शन के रेंज के बराबर आ जाए तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या होता है, सर्जेक्टिव होता है, यानी कि वन ऑन टू होता है। चलिए चेक करते हैं इसे, जैसे कि फाई ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ओके, तो इसका जो रेंज होगा जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्स प्लस 1 बाई एक्स का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, एंड एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2 होता है, ठीक है। तो यानी कि इसका जो रेंज हो जाएगा, यानी एफ एक्स को हमारे पास क्या है, 1 बाई 5 एक्स है, 1 बाई 5 ऑफ एक्स, यानी कि इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स ये लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से इसके लिए अगर वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करने पर 1 अपॉन 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, अब ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो फंक्शन है एफ एक्स उसका वैल्यू
माइनस हाफ से हाफ के बीच में, यानी इसका रेंज हमारे पास माइनस हाफ से हाफ के बीच में आ रहा है। इसका रेंज जो है वो कितना आ रहा है, माइनस हाफ से हाफ के बीच में, जो कि क्वेश्चन में गिवन है वो डोमेन के बराबर है। यानी कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ओके, यानी कि सब्जेक्टिव, ओके। तो यदि सब्जेक्टिव है तो सिंपली ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री करेक्ट होगा, ओके, ऑप्शन थ्री विल बी राइट। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए कितने आसानी से सॉल्व किए, और अब ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास अप्रैल में होने वाला है एग्ज़ाम, तो आपके पास मैक्सिमम 3 महीने बचे हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके, मतलब ऑलमोस्ट 4 महीने बचे हैं, तो आपको तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से होना चाहिए। और तो चलिए दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।